एक और प्रोडक्ट मंगा लिया है मैंने मीशो से, जो कि पिंक कलर का आया है, जो कि गर्ल्स का ऑलमोस्ट फेवरेट कलर होता है। सो इसको खोलने से पहले मैं आप लोगों को ऐसे ही दिखा देती हूँ, और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसी में मैं इसको आपको खोल के दिखाने वाली हूँ। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और ब्लॉग में, और आज की वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए मीशो से एक और कुर्ता सेट। यस फ्रेंड, एक और कुर्ता सेट आ गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुझे दिखने में अच्छा लग रहा है। मैंने इसकी अनबॉक्सिंग कर दी थी, बिकॉज यू नो आई कांट वेट टू ओपन द थिंग्स। मुझे बहुत मज़ा आता है चीज़ों को जल्दी से अनरैप करके देखने में कि कैसा आया है, क्या आया। सो मैंने ऑब्वियसली अनरैप कर लिया था, और उसके बाद जो मैंने देखा, ओ वाओ, मतलब कि अनएक्सपेक्टेड। मैं आप लोगों को जब इसको खोल कर दिखाऊंगी तो आप लोग भी कहेंगे कि रियली 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 हमें इसका लिंक दे दो, या फिर हमें बता दो कहाँ से मंगाया है, कैसे मंगाया है, कितने में मंगाया है। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आ रहे होंगे मेरे ये कुर्ता सेट को देखकर, क्योंकि ये प्रॉपरली पूरा पार्टी वेयर लग रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैंने कोई कैजुअल कुर्ता मंगाया है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैंने किसी पार्टी के लिए कोई कुर्ता सेट मंगाया है। और ये बहुत ही ज़्यादा इसका कलर ओवरऑल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसीलिए अनरैप है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आप लोगों को दिखा देती हूँ और हम इसको ओपन करते हैं। सो कलर वाइज पिंक कलर है। आप लोगों को पिंक कलर कैसा लगता है मुझे बताइएगा, और पिंक में अगर गोल्डन आ जाए तो फिर क्या ही कहने हैं। और उसके बाद अगर इस तरीके का नेक पीस मिल जाए तो फिर तो मौज ही आ जानी है। देखिए इसका नेक पीस कितना ज़्यादा प्यारा है, इतना ब्यूटीफुल नेक। ओ माय गॉड, मतलब इतना प्यारा इसका नेक आया है, आई कांट इवन एक्सप्लेन गाइज। इसका इतना अच्छा नेक है, और पूरा इस पर गोल्डन और गोल्डन कलर का इस पर पूरा वर्क है। और ये पिंक एंड गोल्डन मेरा कुर्ता आया है, जो कि मैंने मंगाया है थोड़ा सा लूज एल साइज, एंड आई लिटरली जस्ट लव इट। आप लोग देख सकते हो कि ये कितना ज़्यादा प्रीटी है, फुल स्लीव्स है, विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज। हम कपड़ा कम क्यों मंगाए, तो हमने फुल स्लीव्स का मंगवाया है, और आप लोग देख सकते हो इसका प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये जो इस पर गोल्डन तरीके का प्रिंट है ना, जब मैंने इसको देखा फर्स्ट टाइम तो मैंने सोचा कि मुझको ये मंगाना ही मंगाना है। उस टाइम इसके रेट थोड़े से ज़्यादा थे, मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा ये आ जाए, ज़रा नीचे हो जाए, और वो हुआ भी। और फिर मैंने इसको यू नो मंगा लिया। लेंथ वाइज बहुत अच्छा है, लेंथ काफ़ी सूटेबल है मुझे, और यही लेंथ मुझे अच्छी लगती है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हो ये इस तरीके का नेक पे इसमें ये डिज़ाइन दिया हुआ है, ठीक है, पूरा पाइपिंग से बना हुआ है गला। इसके अलावा आप लोग इसका नेक देखिए, इसका नेक कितना ज़्यादा, मतलब इतनी प्यारी फिनिशिंग और मीशो पर और कुर्ते में, ये तो अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन अब काफ़ी अच्छी क्वालिटी के मीशो देने लग गया है, तो मुझे ये पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया। और आप लोग देख सकते हो कि इसका नेक कितना अच्छा ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया हुआ है। अब मैंने कुर्ता तो मंगा लिया है, एंड नाउ अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इसके साथ किस तरीके का दुपट्टा, या फिर इसके साथ लेगिंग्स, ट्राउज़र, व्हाट टू डू कैरी। तो मैंने सोचा है कि मेरे पास कुछ रखा हुआ है यू नो, या फिर मुझे मंगाना पड़ेगा, ठीक है, बॉटम के लिए। सो मैं गोल्डन ही इसके साथ लेकर जाऊंगी, अदरवाइज जीन्स वगैरह भी कैरी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको पूरा पार्टी वियर सेट अगर बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाह रही हूँ एक आध बार किसी पार्टी में हो जाए, किसी नॉर्मल कहीं हम आ जा रहे हैं, सो उसमें मैं इसको कैरी करूँ। सो मैं सोच रही हूँ कि इस पर ये जो गोल्डन कलर का वर्क है, गोल्डन कलर के वर्क के साथ ही इस पर काफ़ी अच्छा खासा चला जाएगा। नहीं तो गोल्डन कलर का हम इसमें बॉटम लेंगे, और गोल्डन ही इसके साथ दुपट्टा चला लेंगे, या फिर पिंक चला लेंगे, जौन सा भी मतलब अच्छा लगेगा, या फिर जौन सा भी सूटेबल हो जाएगा। आप लोग बताइए कि मैं इसके साथ क्या कैरी करूँ, कलर में कुछ और कलर लूँ, या फिर यही गोल्डन कलर का कुछ भी बॉटम में या फिर दुपट्टे में सेट यू नो बना लूँ। सो ओवरऑल आप लोग देख सकते हो कि ये कितना ज़्यादा प्रीटी है, कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। फुल लेंथ कुर्ती है विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज़। तो अब इसका बैक से इसमें सिर्फ प्रिंट है,
प्रिंट के अलावा इसमें ऐसा कोई खास वर्क नहीं है, क्योंकि जो भी वर्क होता है वो नेक पे होता है, ठीक है, बैक नेक पे कोई वर्क नहीं होता है। तो ओवरऑल अगर हम इस कुर्ते के प्राइजेस की अगर हम बात करें सो आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे कि ये मैंने कितने में मंगा लिया, क्योंकि पहले इसका जो रेट आ रहा था वो समथिंग 1000 के करीब था, लेकिन उसके बाद काफ़ी ऑफ़र में आया, ये बहुत ऑफ़र में आया, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इसको परचेज कर रहे थे, ऑफ़र में आया, और ऑफ़र में आने के बाद जब मैंने इसको मंगाया तो ये मुझे आराम से मिल गया 400 रुपीज़ का। तो 400 में मतलब इतना प्यारा कुर्ता अगर मिल रहा है सो वॉट एल्स टू वॉन्ट। सो मुझे ये थोड़ा सा पार्टी वियर टाइप मैं इसको बना सकती हूँ, पार्टीज में मैं इसको कैरी कर सकती हूँ। सो आप लोग मुझे बताइए आप लोगों को ये मेरा कुर्ता सेट कैसा लगा, डू यू लाइक इट और नॉट। सो इस तरीके के मैं और भी मेरे कितने ज़्यादा वीडियोज हैं यूट्यूब पर जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से मैंने कुछ मंगाया, और बाकी तो अनदर चीज़ें मैं मीशो से ज़्यादा मंगाती हूँ। सो उससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ है जिसमें आपको कुर्ता मिलेंगे, आपको अनारकली मिलेंगे, फुटवेयर्स के काफ़ी सारे मैंने स्टॉक्स मंगाए हैं। अभी एक लेटेस्ट वीडियो और आया है शूज़ का, वो मैंने पिंक कलर का मंगाया, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया। और हील्स का भी एक वीडियो था जिसमें मैंने सैंडल्स वगैरह मंगाए थे, वो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग आया। सो ये मैं जो मेरे आपने अगर वो ब्लॉग नहीं देखा है सो मैं आप लोगों को बता दूँ, उसमें मैंने एक किस कलर का था इसी तरीके के कलर का मैंने सैंडल पीस मंगाया था। सो वो इस पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, क्योंकि सैंडल्स के जो डिज़ाइंस मैंने मंगाया ना दैट नेक्स्ट लेवल, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। सो ये सारी ड्रेसेस के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे जाएंगे। सो मतलब चीज़ों को मैं इस तरीके से मैनेज कर लेती हूँ कि वहाँ से वो पीस ले लिया, वहाँ से वो पीस ले लिया। सो ओवरऑल ये पूरा कुर्ती थी, और ये इसकी पूरी लेंथ भी इसकी काफ़ी अच्छी, काफ़ी ब्रॉड इसकी लेंथ है, और चौड़ाई वगैरह सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप लोग देख सकते हो ये पीस कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। सो अगर मैं ऑनेस्ट रिव्यू अगर दूं कि मुझे ये कैसा लगा, तो मुझे ये पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोग को भी मंगाना है सो प्लीज़ कमेंट मी, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसके अलावा आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगती है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग, फॉर सपोर्टिंग मी, फॉर लाइकिंग माई वीडियोज़, थैंक यू सो मच। मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, वो भी मैं काफ़ी अच्छी लेकर आने वाली हूँ, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें मंगाई हैं, बस ऑर्डर आना बाकी है, ऑर्डर कर दिया है, सिर्फ मेरे पास तक आना बाकी है। सो वो वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट ब्लॉग में, टेक केयर, टिल देन बाय बाय।